और ये हमारे कान्हा जी अपने बर्थडे के लिए रेडी हो चुके हैं और ये देख सकते हैं डेकोरेशन सिंपल एंड ब्यूटीफुल। हेलो गाइस, आई एम उत्तेश त्यागी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। और आज जन्माष्टमी और सरदार पटेल का हैप्पी जन्माष्टमी। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ गांधी कॉलोनी में, ये आप देख सकते हैं गांधी वाटिका थी इधर। और मैं यहाँ आया हुआ था किसी काम से, तो मैंने सोचा कि मैं आज यहीं से वीडियो बनाता हूँ। आई नो आज जन्माष्टमी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज गांधी कॉलोनी में क्या कर रहा हूँ। सो आज मैं किसी काम से यहाँ आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप यहीं से व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ। वैसे तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी है अभी आए हुए, मैंने जो काम था वो हो चुका है। चलिए अभी मैं गांधी कॉलोनी में हूँ, तो मैं आपको सोचा कान्हा जी का एक मंदिर दिखा देता हूँ। एंड ये हम अपने फर्स्ट मंदिर पर पहुँच चुके हैं, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो अभी शाम के 5:30 ही हुए हैं, अभी लाइट्स नहीं ओपन हुई हैं, जली नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने सोचा आपको यहीं से दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी हम ये आ चुके थे लक्ष्मी नारायण मंदिर, गांधी कॉलोनी में ही था ये भी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गांधी कॉलोनी में गोलोक धाम मंदिर है, तो मैं आपको अब वो दिखाता हूँ, बिकॉज मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हुआ चलूँ। दर्शन तो मुझे भी नहीं हुए हैं क्योंकि ये 7 बजे खुलेगा, आई थिंक 7 बजे कह रहे हैं, तो इतना मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे अपने घर जाना है। तो चलिए फिर कभी देखते हैं, अभी मैं निकलता हूँ। आ चुके हैं बालाजी मंदिर में, चलिए अब आपको यहाँ का दिखाते हैं। देख सकते हैं आपको जगह जगह ये मेले टाइप के आपको लगे हुए दिख जाएंगे, ये हर जगह लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। I'm gonna make it.
प्रसाद चढ़ा चुका है, कान्हा जी को चढ़ा चुका हूँ। और गाइस ये मैं आ चुका हूँ घर, और ये आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं रात के 12:10 अभी हो चुके हैं। उसके बाद में बस मैं आने के बाद में नहाया और कुछ ऐसा खास मैंने किया नहीं, और मैं फिर ऐसे ही लेटा रहा, फ़ोन चलाता रहा और अपना स्टेटस वगैरह लगाता रहा, बस ऐसे ही टाइम कट गया। और अभी मैं बज चुके हैं 12, शंख बज चुका है, तो अभी ये देख सकते हैं आप हमारा डेकोरेशन है। ये हमने पंचामृत लिया हुआ है और ये सिंपल जल है। और ये नहला करके फिर से बैठ चुके हैं। कुंज बिहारी की श्री गिरिधर की, अभी बस मैंने जल दे दिया है और अभी हम प्रसाद लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले लेते हैं चरणामृत। और ये बारी आ चुकी है अभी फाइनली दही वड़े खाने की। अभी मैंने खाना खा लिया, तो इसी के साथ मैं अपनी जन्माष्टमी के ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहे, प्यार बांटे, मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों को टाइम दें, जो मर्जी हो करें, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, और किसका दिल ना दुखाए, और हमेशा मुस्कुराते रहें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी।